हाय दोस्तों, हर हर गंगी, आप सबका हार्दिक स्वागत है। रमेश कुमार वी ब्लॉग्स में आज अभी आप दृश्य देख रहे हैं सुबह 9 बजे का। अभी हम जा रहे हैं हर की पैड़ी और हर की पैड़ी में आज काफ़ी शानदार दृश्य देखने को मिलने वाला है। बस अब कुछ देर में हम हर की पैड़ी पहुंचने वाले हैं। आप सबसे एक प्यारी से रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारा चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज काफ़ी अच्छा बारिश हुआ है और काफ़ी राहत है आज, क्योंकि पिछले कई दिनों से बारिश हल्का हल्का तो हो रहा था, लेकिन बारिश होने की वजह से उमस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रही थी और गर्मी हमें लग रही थी। तो आज काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। देखते हैं बारिश कितना देर होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ का मौसम फिर से बनेगा। ये है अपर रोड वाला मार्केट जहाँ से हम अभी आए हैं। इस मार्ग का वीडियो हमने बना रखा है और आप जाके ज़रूर देखिएगा। इस मार्ग में होटल, धर्मशाला, रहने खाने का काफ़ी अच्छे सुविधा आपको मिल जाते हैं। अभी हम प्रवेश कर रहे हैं हर की पैड़ी में। हर की पैड़ी का प्रवेश करने का मेन डोर ये वाली है जो आपको अभी हम दिखाएंगे कुछ देर पे। सामने का दृश्य जो देख रहे हैं ये है ब्रह्मकुंड जाने का मार्ग। इस मार्ग में जाने के लिए हमें चप्पल जूता बाहर रखना होता है और इस मार्ग में हमें प्रवेश मिल जाती है। काफ़ी अच्छा दृश्य वहाँ पर देखने को मिलता है। हम गौ माता के दर्शन होते हैं, ब्रह्मकुंड का दर्शन उसी मार्ग से आपको होगा। बारिश हुई, अभी थोड़ा देर के लिए बारिश रुका हुआ है। काफ़ी अच्छा दृश्य आज देखने को मिल रहा है। हवा भी काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही है और माँ गंगा के शीतल जल तो ठंडा होता ही है। तो चलते हैं, अभी आपको हर की पैड़ी का दृश्य दिखाते हैं। हवा की गति का अंदाज़ा आप झंडा को देख के लगा सकते हैं। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। हर की पैड़ी में श्रद्धालुओं की संख्या में आज कमी दिखाई दे रही है। बारिश की वजह से हो सकता है, अभी बारिश कुछ देर की रुकी है तो श्रद्धालु जैसे ही बारिश रुकी है तो आप निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। हर की पैड़ी की ओर सारे श्रद्धालु आ रहे हैं। ये माँ गंगा की मूर्ति और भोलेनाथ की बड़ी सी मूर्ति जो कि विवेकानंद पार्क में है, हमने वीडियो बना रखा है, आप जाके ज़रूर देखें। जल की गति का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अभी आप दृश्य देख रहे हैं नई घाट का। नई घाट में काफ़ी सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। जल की गति काफ़ी तेज़ है और जल की जो कलर है आप अभी देख सकते हैं। ऐसे हम आपको नीचे जाके हर की पैड़ी से निर्मल जल की जो कलर है वो अभी आपको दिखाएंगे। ये है नई घाट और जो सामने आपको जूम करके दिखा रहा हूँ वो सुभाष घाट है। सुभाष घाट और नई घाट में मुंडन की विधि होती है और अस्थि विसर्जन की विधि होती है। ये है हर की पैड़ी। अभी हम हर की पैड़ी में कुछ देर में प्रवेश करेंगे। खुले में कूड़ा डालना आप सबको भारी पड़ सकता है। 5,000 की जुर्माना और 6 महीने तक की कैद हो सकती है अगर आप पकड़े गए तो। खासतौर पर श्रद्धालु एक गलती कर बैठते हैं, पॉलीथीन या फिर कपड़े को ही घाट पे छोड़ देते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे गंदगी फैल जाती है। तो आप ऐसा ना करें, अगर आपको कपड़े छोड़ने ही हैं तो आप डस्टबिन में छोड़ दीजिए स्नान करने के बाद। और हम आ चुके हैं अभी हर की पैड़ी में। हर की पैड़ी में निर्मल जल की गति आप अभी देख रहे हैं, काफ़ी तेज़ है। यहाँ पर हरिद्वार की यात्रा अब आसान हो चुकी है, काफ़ी अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है। जल की गति का दृश्य आप अभी देख रहे हैं हर की पैड़ी से। बारिश होने की वजह से ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है। ये आप अभी देख रहे हैं धार्मिक स्थानों पर गुंडागर्दी, हुड़दंग मचाना सख्त यहाँ पे मना है। काफी सारे लोग पकड़े गए हैं और उन्हें सख्त सजा भी हुई है। अभी हमें सबसे प्रमुख घाट हर की पैड़ी में, और हर की पैड़ी में आप देख रहे हैं काफ़ी सारे श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। अभी हम आपको मालवीय घाट का भी दृश्य दिखाएंगे। सामने जो आप दृश्य देख रहे हैं ये है ब्रह्मकुंड, और ब्रह्मकुंड के पास आप देख रहे हैं आज काफ़ी कम श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं।
अभी हम चल रहे हैं महिला घाट की ओर। महिला घाट का दृश्य हम आपको भी दिखाएंगे। महिला घाट से हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड का दृश्य आप अभी देखेंगे। अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पे अभी कितनी कम हो चुकी है। अभी हम आ चुके हैं महिला घाट पे और महिला घाट का दृश्य आप अभी देख रहे हैं। जल निर्मल जल की जो गति है यहाँ पे काफ़ी तेज़ है और यहाँ पे भी काफ़ी कम श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। अगर आप हरिद्वार की प्लानिंग भी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है और श्रद्धालुओं की संख्या भी काफ़ी कम है, जैसे कि हमने पहले ही आपको बता दिया है। अभी हम चलेंगे मालवीय घाट और मालवीय घाट का भी दृश्य हम आपको दिखाने वाले हैं। कांवड़ यात्री कुछ अभी दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा कांवड़ यात्री अभी नहीं आ रहे हैं, काफ़ी कम है कांवड़ यात्रियों की संख्या। 14 तारीख से कंटिन्यू कांवड़ यात्री आना स्टार्ट हो जाएंगे। मौसम आप देख रहे हैं अभी बादल छाया हुआ है। अभी हम ब्रिज में हैं, यहाँ से काफ़ी अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो है माँ चंडी देवी वाली पहाड़, और यहाँ से जो ऋषिकेश देहरादून का हाईवे है वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे माँ गंगा की मूर्ति, भगवान शिव की बड़ी सी मूर्ति, और सामने आपको जो पुल दिखाई दे रहा है वो हाईवे वाला पुल है। और अभी जो दृश्य देख रहे हैं ये जल हर की पैड़ी होके बाहर की ओर जा रही है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर गंगे।